सूबे में उपचुनाव की तारीख नजदीक है। इसी बीच छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रद्युम्न सिंह लोधी की तबीयत बिगड़ी थी। सीएम शिवराज सिंह ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही जनता से लोधी को भारी मतों से जिताने और बड़ा मलहरा विधानसभा का विकास करने की बात कही। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के मेरे प्रिय बहनों भाइयों भांजे भांजियों, श्री प्रद्युम्न लोधी जी ने बड़ा मलहरा के विकास के लिए विधायक पद से त्याग पत्र दिया। उनका एक ही सपना है, संकल्प है, जिद जुनून और जज्बा है, बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का विकास। उसके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः अपना प्रत्याशी बनाया। अचानक वो अस्वस्थ होने के कारण अभी भोपाल में चिरायु अस्पताल में भर्ती है। मेरी आपसे अपील है कि वो सशरीर आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका मन और आत्मा आपके बीच में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, श्री प्रद्युम्न लोधी ने बड़ा मलहरा के विकास के लिए जो संकल्प लिया है उसको शिवराज सिंह चौहान पूरी गंभीरता से पूरा करेगा। शिवराज सिंह ने ट्वीट भी किया। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा कि बड़ा मलहरा विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी जी अस्वस्थ होने के कारण भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती है। मेरी आपसे अपील है कि वो सशरीर आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका मन आपके बीच है। वहीं अगले ट्वीट में सीएम ने लिखा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने बड़ा मलहरा के विकास के लिए जो संकल्प लिया है उससे मैं पूरी गंभीरता से पूर्ण करूंगा। आप सबसे अपील है कि कमल के फूल का बटन दबाकर भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजय बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी भारत।